वचनामृत नवमु युगना धर्म प्रवर्त्यानु स्थान ते शू तेनु। स्वामीनारायण हरे स्वामीनारायण हरे। संवत 1877 श्रावणवदी 13ने दिवस स्वामी श्री सहजानंदजी महाराज पोताना भक्तजनने सुखदेवाने अर्थे सारंगपुरथी चाल्या ते गाम श्री कुंडल पधार्या अने ते कुंडल मध्ये अमरा पटकरना आथमणा ओरडानी ओसरीए ढोलियाओ पर उत्तरादे मुखारविंदे विराजमान हता अने मस्तक पर धोळी पाग बांधी हती तथा धोळी पछीडी ओढ़ी हती तथा धोळो सुरवाळ पहेर्यो हतो तथा धोळो अंगरखो पहेर्यो हतो अने पोताना मुखारविंदनी आगळ मुनि तथा देशदेशना हरिभक्तनी सभा भराईने बेठी हती। पछी मुक्तानंद स्वामीए प्रश्न पूछ्यो जे हे महाराज, जीवना हृदय में युगना धर्म प्रवर्ते छे तेनु शू कारण छे? पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे युगना धर्म प्रवर्ते छे तेनु कारण तो गुण छे। ते जारे शुद्ध सत्वगुण वर्ततो होय त्यारे तेना हय्यामां सत्ययुगनी प्रवृत्ति होय अने जारे सत्व अने रज भेळा वर्तता होय त्यारे तेना हय्यामां त्रेतायुगनी प्रवृत्ति होय अने जारे रज ने तमोगुण भेड़ा वर्तता होय त्यारे तेना हय्यामां द्वापर युगनी प्रवृत्ति होय अने जारे एकलो तमोगुण वर्ततो होय त्यारे तेना हय्यामां कलयुगनी प्रवृत्ति होय। एम गुणे करीने युगनी प्रवृत्ति छे। पछी वळी मुक्तानंद स्वामीए पूछ्युं जे गुणनी प्रवृत्ति थयानो शो हेतु छे? पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे गुणनी प्रवृत्तिनुं कारण तो कर्म छे। ते जेवा पूर्वकर्म होय तेवा गुणनी प्रवृत्ति थाय छे। माटे जेने रजोगुण ने तमोगुण वर्तता होय ने तेजो एकाग्र थईने भगवाननुं ध्यान करवा जाय तो थाय नहीं। माटे एवाने तो आत्मनिष्ठानुं बळ राखवुं अने भगवानना महिमानुं बळ राखवुं ने एम समजवुं जे हूँ तो आत्मा छूं ते मारे विषे मायाकृत उपाधि होय नहीं ने हूँ तो गुणातीत छूं अने भगवाननो महिमा एम विचारवो जे अजामेळ महापापी हतो ने दीकराने योगी नारायण एवं नाम लीधु ते सर्व पापथी छूटीने परमपदने पाम्यो तो मने तो ते भगवान प्रत्यक्ष मळ्या छे अने रात दिवस ते भगवाननु हूँ नाम लऊं छूं माटे हूँ तो कृतार्थ थयो छूं। एवी रीते विचारीने आनंदमां रहेवुं। पण जेने तमोगुण ने रजोगुण वर्तता होय तेने ध्यान धारणाने अर्थे आग्रह करवो नहीं अने जेवुं बनी आवे तेवुं भजन स्मरण करवुं ने देहे करीने भगवाननी तथा संतनी परिचर्या श्रद्धाए सहित करवी ने पोतपोताना धर्ममां रहेवुं ने पोताने पूर्ण काम मानवुं। पछी वळी मुक्तानंद स्वामीए पूछ्युं जे जेने तामसी कर्म घणा होय तेना हय्यामां कलयुग वर्ते ते कोई उपाये टळे के न टळे? पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे जो एने संत तथा परमेश्वरना वचनने विषे अतिशय श्रद्धा होय अने अति दृढ़ विश्वास होय तो गमे तेवा तामसी कर्म होय पण तेनो नाश थई जाय अने कलयुगना धर्म मटीने सत्ययुगना धर्म होय ते वर्ते। माटे अति साचे भावे करीने सत्संग करे तो तेने कोई जातनो दोष हय्यामां रहे नहीं अने देह छतां ज ब्रह्मरूप थई जाय। पछी स्वयं प्रकाशानंद स्वामीए पूछ्युं जे स्थान ते केने कहिए? पछी श्रीजी महाराज बोल्या जे चार वर्ण अने चार आश्रम तेने जे पोतपोतानो धर्म तेने स्थान जाणवुं अने तमे त्यागी छो ते तमाराथी जो त्यागनो पक्ष मूकीने गृहस्थने मार्गे चलाय तो ते स्थानक थकी भ्रष्ट थवाणुं एम जाणवुं। माटे गमे तेवो आपतकाल पड़े अथवा अमे आज्ञा करीए तो पण तमारे पोताना धर्ममांथी चळवुं नहीं अने जेम गृहस्थ वस्त्र तथा अलंकारे करीने अमारी पूजा करवाने इच्छे तेम तमारे इच्छवुं नहीं। तमारे तो पत्र पुष्प फल अने जळे करीने पूजा करवी ने एवी पूजाए करीने ज आनंद मानवो पण पोताना धर्मथी चलायमान थईने परमेश्वरनी पूजा करवी ए ठीक नहीं। माटे सर्वने पोताना धर्ममां रह्या थका जेटली पूजा थाय तेटली करवी ए अमारी आज्ञा छे तेने दृढ़ करीने सर्वे राखजो। इति वचनामृतम। एवी रीते सारंगपुर प्रकरणनुं नवमुं जे ते थयुं।